YouTube, welcome to my channel Acoustic Party. मेरा नाम है Sandy. Guys, आज जो हम लेसन करेंगे लेसन नंबर 5 ऑफ गिटार सीरीज, राइट. आज का लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जितने लोग भी गिटार सीख रहे हैं, जितने भी बिगिनर्स हैं, उनके लिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है. सो आई होप आप बहुत अच्छे से सुनेगा, राइट. क्योंकि आज के बाद आपको कॉर्ड्स रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आज का लेसन कुछ रूल्स पे बेस्ड है. देयर आर सर्टेन रूल्स हम कवर करेंगे. गैप रूल, सीरीज क्या होता है, हम सब ये कवर करेंगे आज. सो ऑल ऑफ दिस कमिंग ऑन Acoustic Party. कमिंग अप नेक्स्ट, फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपना लेसन, राइट. आज के लेसन में हम तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे. सबसे पहला इज व्हाट इज अ सीरीज, ठीक है, सीरीज क्या होता है गिटार में. सेकंड इज पैटर्न, पैटर्न क्या चीज है, ठीक है. और तीसरा है गैप रूल, ये गैप रूल आखिर है क्या, राइट. एक बात और याद रखिएगा, जो भी मैंने अभी तीन नाम लिए ना, ये आपको किसी बुक में, स्टैंडर्ड गिटार के बुक में नहीं मिलेंगे इस टॉपिक से. गैप रूल, सीरीज ऐसा नहीं मिलेगा कहीं पे, क्योंकि ये मैंने खुद बनाया है ताकि आपको बेसिकली समझ में आ जाए कि मैंने उसका जो नाम दिया है वो शॉर्टकट से आपको पता लग जाए, राइट. जैसे केमिस्ट्री में हम सुनते हैं ना बेंजीन रिएक्शन, तो हमें समझ में आता है कि हाँ यार बेंजीन का किसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन होगा, इसलिए उसका नाम बेंजीन रिएक्शन है. जैसे फिजिक्स में होता है लॉ ऑफ ग्रेविटी, तो समझ में आता है कि हाँ इट्स रिलेटेड टू ग्रेविटी, ठीक है. उसी तरीके से जो मैंने नाम बनाया है सीरीज, गैप रूल, ये जब आपको मैं बताऊंगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि इसका नाम मैंने बिल्कुल सही रखा है. गैप रूल आपको सच से याद आएगा कि हाँ ये रूल है क्या. ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज अ सीरीज. दोस्तों आप सबने बचपन में ए बी सी डी तो सीखा ही ना, तो दैट स्टार्ट विद अ बेसिक सीरीज, ए बी सी डी ई एफ जी कंटिन्यू टू जेड तक. बट फर्क इतना है कि अभी हम गिटार सीख रहे हैं, तो गिटार में हमारी कॉर्ड्स केवल जी तक होती है, राइट. जी के बाद वापस इट स्टार्ट्स विद ए बी सी डी अगेन. ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ, ये सीरीज आगे है क्या. इस सीरीज का मतलब ये है दोस्तों, व्हाट इज अ सीरीज रूल. इस रूल के मुताबिक ए बी सी डी, राइट, जो हमने बचपन में क्या सुना था, ए बी सी डी, राइट. तो ए और बी के बीच में सी नहीं आता है ना, राइट. ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी ही आता है, राइट. गिटार में भी सेम रूल अप्लाइज, ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, ए और बी के बीच में कोई कॉर्ड, तीसरा कॉर्ड नहीं आएगा. लेकिन दिस रूल, ये रूल कब तक फॉलो होगा. जैसे डे टू डे हम पढ़ाई करते हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होता है किसी ना किसी रूल में, ठीक है. कोई भी रूल आपने फिजिक्स में पढ़ा, उसका कुछ ना कुछ एक्सेप्शन रहेगा कि भाई ये कुछ सिद्धांत है, ये इसको फॉलो नहीं करते हैं, राइट. गिटार में भी सेम थिंग अप्लाई होती है. ये रूल कब तक फॉलो होगा सीरीज का, मैं आपको एनिमेशन से भी समझाने की कोशिश करूंगा कि जो सीरीज वाला रूल है, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, ये कब तक फॉलो होगा. ये डिपेंड करता है आपके पैटर्न पे. अब सेकंड टॉपिक जो मैंने आपसे नाम लिया था पैटर्न, अब उसे ध्यान से सुनिए, राइट. ये पैटर्न आखिर है क्या चीज, राइट. दोस्तों पैटर्न का मतलब होता है आपके हाथ का पोजिशन, राइट. जैसे आप डायग्राम में देखिए, आपका ये जो पोजिशन है ये एक अलग पैटर्न में है, राइट. आप इसी पैटर्न में अगर आगे चलेंगे, इसी पैटर्न में आगे चलेंगे मतलब एक एक फ्रेट आगे खिसकाएंगे बिना अपने हाथ के मूवमेंट को चेंज किए हुए, तो गिटार का सीरीज रूल फॉलो होता है, मतलब ए बी सी डी फॉलो होगा. अब देखिए जो गिटार के तीनों रूल है ना, सीरीज रूल, गैप रूल और ये आपका पैटर्न रूल, ये तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, राइट. अभी गैप रूल क्या कहता है, अभी मैं इसको दोबारा लेके आऊंगा, ये मत सोचिए कि अभी मैंने पीछे छोड़ दिया है, मैं दोबारा इसको लेके आऊंगा. लेकिन पहले मैं आपको तीनों चीज समझा रहा हूँ. पैटर्न समझ में आ गया, आपके हाथ का पोजीशन, आपका हाथ का पोजीशन किस तरीके से है, ऐसा है, ऐसा है, या मकड़ा स्टाइल है, कैसा है, राइट. मतलब आप कौन से पैटर्न में गिटार का कॉर्ड प्ले कर रहे हैं. लास्ट इज गिटार रूल. गिटार जो रूल है, जो गैप रूल है, सॉरी गैप रूल दोस्तों ये कहता है कि गिटार के हर एक कॉर्ड के बीच में एक फ्रेट का गैप होना चाहिए. हर एक कॉर्ड के बीच में मतलब ए बी सी डी जितने भी कॉर्ड हैं जी तक, हर एक कॉर्ड के बीच में एक फ्रेट का गैप आता है. इस गैप रूल के एक्सेप्शन भी हैं, कुछ कुछ कॉर्ड्स हैं जो इस गैप रूल को फॉलो नहीं करती हैं, राइट. अब इसे ध्यान से सुनिएगा, बी और सी, ए एंड एफ, बी और सी के बीच में एक भी फ्रेट का गैप नहीं होगा, राइट. और ई और एफ के बीच में भी एक भी फ्रेट का गैप नहीं होगा. तो इसके मुताबिक जो सीरीज होगा, अब देखिए वो किस तरीके से होगी. ए डैश बी, ए डैश बी का मतलब है ए के बाद एक फ्रेट का गैप, उसके बाद बी आता है, बी के बाद एकदम सी आएगा, उसमें एक भी फ्रेट का गैप नहीं होगा. सी के बाद डैश डी लिखा है, इसका मतलब सी और डी के बीच में एक फ्रेट का गैप होगा. फिर डी के बाद डैश ई है, इसका मतलब डी और ई के बीच में भी एक फ्रेट का गैप है. ई और एफ के बीच में डैश नहीं है, इसका मतलब ई और एफ के बीच में एक भी फ्रेट का गैप नहीं होगा.
एफ डैश जी का मतलब एफ और जी के बीच में एक फ्रेट का गैप, फिर जी डैश कंटिन्यू ए, ये सीरीज आपकी फिर ए से स्टार्ट हो जाएगी। राइट दोस्तों, अभी आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये सीरीज इस तरीके से चलनी है गैप रूल को फॉलो करते हुए। याद रखिए हर एक कॉर्ड के बीच में एक फ्रेट का गैप होगा, केवल बी और सी, ई और एफ के बीच में एक भी फ्रेट का गैप नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये पैटर्न कभी भी गैप रूल फॉलो नहीं करते हैं, तो इनके बीच में कभी भी गैप नहीं होगा। राइट, सो फ्रेंड्स अभी मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि ये प्रैक्टिकली किस तरीके से होता है और प्रैक्टिकली ये देखने में कैसा लगेगा। राइट, सबसे पहले मैंने आपको बताया था सीरीज डिपेंड करता है पैटर्न पे, आपका कौन सा पैटर्न आपने चूज किया है। मैं ए क्लास पैटर्न चूज करूंगा, ए क्लास पैटर्न मींस जो ए कॉर्ड का पैटर्न है, ये वाला जो हम पकड़ते हैं, इसी पैटर्न में मैं अपने हाथ को बिना चेंज किए अगर आगे बढ़ता हूँ फ्रेटबोर्ड पे, तो सीरीज रूल फॉलो होगा और गैप रूल को ध्यान में रखते हुए हर एक कॉर्ड के बीच में एक फ्रेट का गैप आएगा, केवल एक्सेप्शन टू गैप रूल जो मैंने आपको बताए थे, बी और सी उनके बीच में गैप नहीं होता है, ए एंड एफ उसके बीच में गैप नहीं होता है। अब देखिए ये ए कॉर्ड है, ए कॉर्ड के सीरीज रूल के हिसाब से, गैप रूल के हिसाब से एक गैप के बाद बी आना चाहिए सीरीज में, क्योंकि ए के बाद बी आता है। राइट, तो एक गैप के बाद बी आना चाहिए, तो ये एक गैप छोड़ के मैंने ये बी पकड़ लिया, दिस इज बी कॉर्ड, बट दिस इज रॉन्ग, इस तरीके से नहीं होगा। एक्चुअल में सीरीज रूल है वो है बी कॉर्ड, बट आप उसको ऐसे नहीं पकड़ेंगे, आप उसको इन तीनों से पकड़ेंगे और यहाँ पे बाहर लगाएंगे। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है दोस्तों, जो आपने एक कॉर्ड यहाँ पे पकड़ा है ना, उसको भी इस तरीके से नहीं पकड़ते हैं, वो भी ऐसा ही होना चाहिए। राइट, लेकिन यहाँ पे हम बाहर क्यों नहीं लगाते हैं? बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पर ये नट लगा हुआ है, दिस इज ऑलरेडी डूइंग अ वर्क ऑफ अ बार, ये बार की तरह काम कर रहा है, इसलिए हमने इसको लगाया नहीं। राइट, तो वी आर, जब हम आगे बढ़ेंगे इससे, जैसे आगे बढ़ते हैं हम, इसलिए ऐसे प्ले करते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बार लगा है, तो हम इसे ऐसे प्ले करेंगे। लेकिन जैसे ही हम इस बाउंड्री से बाहर जाएंगे इस तरीके से, ठीक है, तो हमको बार लगाना पड़ेगा, चाहे मैं ये भी प्ले करूँगा ना तो ये बार लगाऊँ। अभी ये जो गैप थे ना दोस्तों, ये गैप मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, आपके मन में डाउट होगा कि गैप छोड़े क्यों, गैप है क्या, इस गैप के बारे में मैं आपको इस लेसन में नहीं बताऊंगा, इसके अगले लेसन में बताऊंगा। राइट, क्योंकि मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। ये जो आप सीरीज सीख रहे हो अभी, जो मैं आपको सीरीज सिखा रहा हूँ, दिस इज हाफ सीरीज। राइट, हाफ सीरीज इंक्लूडिंग गैप्स, वो जो गैप हैं वो फुल सीरीज में आएंगे, वो गैप क्या है, वो क्या होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा इस सीरीज के बाद। राइट, तो अभी आप इंपॉर्टेंट चीज़ देख लीजिए, ये आपका ए कॉर्ड है, ए कॉर्ड के एक गैप के बाद आपका ये वाला बी कॉर्ड होगा, तो आप इसको ऐसे नहीं पकड़ेंगे, आप इसको ऐसे पकड़ेंगे। राइट, आपका गैप विल बी मेंटेन, क्योंकि आपका यहाँ पे ए था, गैप आ गया, अब आपने बी कॉर्ड पकड़ लिया। राइट, इस तरीके से देखिए, आपको ऐसे दिखाता हूँ। राइट, आपका ये ए कॉर्ड था, आपने ये वाला गैप छोड़ना है, इस फ्रेट का गैप छोड़ना है, तो आपने यहाँ ना पकड़ते हुए इधर पकड़ लिया, दिस इज आपका बी कॉर्ड। राइट, आप ध्यान में देखिए, गैप छोड़ते हुए आपकी सारी उंगलियाँ उतनी अमाउंट से आगे बढ़ेंगी जितनी आपकी ये वाली फिंगर बढ़ेगी। राइट, अभी देखिए एग्जाम्पल, और मान लो आपने ए ऐसा पकड़ा हुआ है ना, इसको अज्यूम कर लो आपने ऐसे पकड़ा हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसे, तो आपने देखिए ये देखिए ए कॉर्ड ये था, अभी आपको जाना है बी पे। राइट, तो या तो आप इसको रेफरेंस ले लो या तो इसको रेफरेंस ले लो, दोनों में से आप गैप काउंट कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको रेफरेंस लेके चल रहा हूँ, अगर मैं इसको रेफरेंस लेके चलूंगा, इसका मतलब मुझे इसको रेफरेंस लेके चलना है, तो मुझे ये गैप छोड़ के यहाँ पे आना, यहाँ पे बी होगा, तो मैंने ये गैप छोड़ा और ये बी आ गया। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये वाली फिंगर आपकी यहाँ पे आ जाएगी, ध्यान रखना इन फिंगर के और इस फिंगर के बीच में भी गैप होना चाहिए, क्योंकि ये गैप वही गैप है जो इस कॉर्ड यहाँ पे इसके और इसके बीच में था, ये आपका एक्चुअल में अभी बी कॉर्ड आपने पकड़ा है। ठीक है, ये वो गैप है और यहाँ पे आपका ए था। राइट, तो ये फिंगर आपकी यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आपका ए था, ये गैप आया और ये आपका बी आ गया। राइट दोस्तों, फाइन, अभी उसके बाद मैं हमेशा इन्हीं को रेफरेंस लेके चलता हूँ, कोई लोग इसे भी रेफरेंस लेके चलते हैं। राइट, तो जितनी अमाउंट से ये बढ़ेगा उतनी अमाउंट से आपका ये ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, आपको ध्यान रखना है कि उसमें गैप मेंटेन रहना चाहिए। अभी नेक्स्ट कॉर्ड सीरीज के हिसाब से सी आना चाहिए, तो गैप रूल विल बी फॉलोड, गैप रूल के हिसाब से बी और सी के बीच में गैप नहीं आता है, तो इसका मतलब इसके बगल में ही आपका सी है, तो ये आपका सी है। तो देखिए आपकी ये जो फिंगर थी ना पहले यहाँ पे थी ना, ये फिंगर इधर आ जाएगी, कोई गैप नहीं है फ्रेट के बीच में। राइट, ये फिंगर यहाँ थी, उसके बाद ये इधर आ गई। राइट, ये इधर आ गई और आपका ये बगल में चला गया, ये इधर आ गया बिना गैप दिए, तो ये ऐसा आ गया। ठीक है, ये आपका बी कॉर्ड था, ये बगल में आपका सी कॉर्ड हो गया ऐसे। राइट, तो देखो ये आपका बी था, ये आपका बी था जो गैप यहाँ पे दिख रहा है, ये बी था, बी के बगल में आपका सी आ गया, ये बी है और ये सी है। राइट दोस्तों, फाइन, एक बार ध्यान में रखिए, ये गैप विल बी मेंटेन इस उंगली के बीच में और
और इन फिंगर्स के बीच में गैप विल बी मेंटेन बिकॉज इट्स वर्किंग एज अ नट, ये नट का काम कर रहा है इसलिए, राइट। अभी सी के बाद देखिए, सी के बाद एक और गैप डालिए, ये गैप के बाद यहाँ पे डी आएगा, राइट। ये देखिए, और आपकी इस फिंगर्स की जगह ये वाली फिंगर आ जाएगी, इसको भी एक गैप कवर करना है, राइट। तो ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से ये ऐसे आएगा, इस तरीके से ये आपका बन गया डी कॉर्ड। डी के बाद एक और गैप दूंगा तो ई बन जाएगा, यहाँ पे आएगा ई कॉर्ड, राइट। ये देखिए इस तरीके से ये ई कॉर्ड आ गया। अब ई और एफ के बीच में गैप नहीं है दोस्तों, तो इसका मतलब इसके बगल में ही है, ये बगल में ही आपका एफ कॉर्ड है। ये सीरीज इस तरीके से चलती रहेगी, राइट। गैप रूल विल बी फॉलोड, आप ध्यान में बस इतना रखिए कि सीरीज आपको कंटिन्यू फॉलो करना है, गैप रूल को ध्यान रखते हुए। ये तो था इस पैटर्न में, अब पैटर्न चेंज, अभी मैंने पैटर्न ये बना दिया है, अभी आई हैव मेड पैटर्न इस तरीके से। ये वाला कॉर्ड एफ कॉर्ड है, राइट, दिस इज एफ कॉर्ड। अब मैंने कहा था ना कि सीरीज विल बी फॉलोड, तो सीरीज अब इससे स्टार्ट होगी, एफ से स्टार्ट होगी, राइट। अब ऐसे नहीं कि यहाँ दोबारा ए से स्टार्ट हो जाएगा, नहीं, अभी सीरीज एफ से स्टार्ट होगी क्योंकि पैटर्न में सबसे पहला कॉर्ड इज एफ कॉर्ड, राइट। तो दिस इज एफ कॉर्ड। अब इसमें आप देखो गैपिंग कैसे करेंगे, इसमें आप किस तरीके से गैपिंग करेंगे मैं बताता हूँ, जस्ट अ सेकंड। अब इसमें आप गैपिंग कैसे करेंगे, ये देखिए ये आपका एफ कॉर्ड है, राइट। मैंने आपको कहा था कि या तो इसको रेफरेंस ले लो या इनको रेफरेंस ले लो, राइट। अभी देखो आपको एक गैप के बाद जी में जाना है क्योंकि एफ के बाद जी आता है, राइट। तो आपका जी एक्चुअली यहाँ पर है, ये आपका जी कॉर्ड है, ये एफ था ना आपका, आपको ये गैप छोड़ना है, मैं इसको रेफरेंस लेके चल रहा हूँ इन दोनों को, तो मुझे ये गैप छोड़ना है और मुझे इन दोनों उंगलियों को यहाँ प्लेस करना है, राइट। दिस इज गैप जो मुझे छोड़ना है और यहाँ प्लेस करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको लेके जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपकी उंगलियाँ ऐसे आएंगे, ये, राइट। और मैंने जो कहा था इसके इसके बीच में एक फ्रेट का गैप होना चाहिए, वो मेंटेन रहेगा, राइट। तो दिस इज जी कॉर्ड, अगर आप इसे रेफरेंस लेके चल रहे हो तो देखो इस तरीके से होगा, ये आपका ये रहेगा, सिंपल है। आपको इसको यहाँ पे लेके आना है कि आपको ये गैप छोड़ना है, इसको यहाँ पे लेके आना है, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी उतनी फ्रेट आगे बढ़ जाएंगी। ध्यान रखिए हर एक उंगली आपकी उतनी फ्रेट आगे बढ़ेगी जितनी गैप मेंटेन है, ठीक है। अगर ये आपका एक फ्रेट बढ़ रहा है तो ये भी आपका एक फ्रेट बढ़ेगा, ये भी आपका एक फ्रेट ही बढ़ेगा, हर इसमें गैप रहेगा। ये देखिए एफ कॉर्ड था ना, ये उंगलियाँ यहाँ पे आ जाएंगी, इसमें गैप रहेगा एक फ्रेट का, ठीक है। ये वाली उंगली जो आपकी है वो यहाँ पे आएगी, ठीक है, मैं इनको हटा देता हूँ। ये वाली उंगली आपकी यहाँ पे आ जाएगी, इसके लिए ये गैप बन जाएगा, और ये वाला ये गैप छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो तीनों उंगलियाँ एक एक गैप छोड़ के आ जाएंगे ऐसे। ये रेफरेंस है, आप इसको भी सबसे ईजी आपके लिए क्या रहेगा, या तो रेफरेंस इसको ले लो या इसको ले लो। आपको मैं आपको सिंपल समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप रेफरेंस हमेशा इसको लो, ठीक है, इससे आपको ईजिली याद रहेगा। अभी आपको पता है कि आपके ये दोनों उंगलियाँ यहाँ पे हैं, अगर आपको जी पकड़ना है तो इस फ्रेट को छोड़ दो, इन उंगलियों को यहाँ ले आओ, ठीक है, बस इन यहाँ पे ऐसे ले आओ इस तरीके से, बस आपकी ऑटोमेटिकली वो दोनों उंगलियाँ, आपको पता है कि मैंने आपको बताया कि इसके बीच में और इसके बीच में एक फ्रेट का गैप होना चाहिए, गैप विल बी मेंटेन, ये ऑटोमेटिकली बीच में आ जाएगा, राइट। अभी ये आपका जी कॉर्ड है, अब जी के बाद ए में आपको जाना है तो ये वाली उंगलियाँ आपकी डायरेक्ट कहाँ जाएंगी, यहाँ पे जाएंगी सीधे इधर पे, राइट, इस तरीके से ये आपका ए कॉर्ड जाएगा। ए के बाद फिर यहाँ पे बी आएगा, राइट, देखिए इस तरीके से ये जा रहा है आपका इस तरीके से, ये आपका बी कॉर्ड है, और बी के बीच और उसमें गिच गैप नहीं है तो यहाँ पर नहीं जाएगा, अब सीधे यहाँ बगल में आएगा इस तरफ, ये तुरंत ऐसे बगल में, ये आपका दोस्तों सी कॉर्ड है, बी के बाद तुरंत सी, गैप रूल विल बी फॉलोड। तो आई गेस आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों, इट्स वेरी इजी, और सेम गैप रूल विल बी फॉलोड इन माइनर सेक्शन ऑल्सो। माइनर में जैसे आपको देखो ये ए माइनर है ना, ये ए माइनर है, दिस इज ए माइनर, तो अभी आपको देखो ये गैप छोड़ना है, ये गैप छोड़ के आप यहाँ पे आ गए, तो दिस इज बी माइनर, पर आप बी माइनर ऐसे नहीं पकड़ते हो ना, आप हमेशा ऐसे पकड़ते हो, ऐसे, सॉरी ये वाला उसी फॉर्मेट का है। देखो मैं ऐसे था ए माइनर में, देखो ये ए माइनर था, ठीक है, ये आपको गैप देना है, तो इस गैप के बाद मैं यहाँ पे आ गया, दिस इज बी माइनर, पर बी माइनर हम ऐसे पकड़ते हैं इस तरीके से, राइट। अब सेम पीछे आइए, सेम पीछे उसी फॉर्मेट में पीछे आइए, ये गैप छोड़ के ये ए माइनर, तो इस तरीके से ए माइनर कॉर्ड का फॉर्मेशन हुआ दोस्तों। ए माइनर आपको ऐसे पकड़ना चाहिए, पर हम इस तरीके से ऐसे नहीं पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे नट लगा हुआ है, ठीक है। और इसके आगे हम जाएंगे तो फिर वो बी माइनर बनता है, फिर एक गैप छोड़ के सी माइनर बनता है, इस तरीके से बनता है बी माइनर, सॉरी बी माइनर के बाद तुरंत सी माइनर बनता है क्योंकि बी और सी बी में गैप नहीं है। आप देखिए ये ए माइनर था, ये ए माइनर है, अभी आपने ये गैप छोड़ा, यहाँ पे बी माइनर बनेगा, ठीक है, ये गैप छोड़िए और ये ऐसे आइए, और इसकी जगह आप उंगलियां बस प्लेस कर दीजिए ऐसे, ये आपका बी माइनर है, और बी माइनर के तुरंत इधर यहाँ पे ये सी माइनर बनेगा, राइट। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं आपको याद रखने के लिए, कुछ शॉर्टकट तरीके हैं कुछ याद रखने के लिए जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला आप देखिए पैटर्न वाइज बताऊंगा, ठीक है, सबसे पहले पैटर्न देखो आप,
दिस इज एप कॉल्ड, राइट। आपको याद रखना है हमेशा जो ये वाला है ना, ये वाला देखिए, किसी किसी में यहाँ पर भी मार्क होता है, फ्रेट मार्क, ठीक है। आप रखिए यहाँ पर किसी के मार्क होता है, ये दो फ्रेट मार्क के बीच में हमेशा जी कॉर्ड होता है, ये एफ कॉर्ड है, तो आपको ये उंगलियाँ यहाँ रखनी ऐसे, ये आपका जी कॉर्ड होता है, राइट। फिर इन दोनों फ्रेट मार्क के बीच में ये वाला ए कॉर्ड होता है, ये इन दोनों के बीच में देखिए यहाँ पर एक मार्क है, यहाँ पर एक मार्क है, ठीक है। ऐसे आना चाहिए आपका उंगली इस तरीके से, देखिए इस और इसके बीच में आपका एफ कॉर्ड होता है ये वाला, ठीक है। फिर इसके और इसके बीच में आपका ये होता है जी कॉर्ड, फिर इस मार्क के और इस मार्क के बीच में आपका होता है ए कॉर्ड, और इस मार्क के और इस मार्क के बीच में होता है आपका बी कॉर्ड, और बी कॉर्ड के जस्ट बगल में सी कॉर्ड, क्योंकि गैप नहीं है, राइट। ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो आपको ये ए, फिर आपको पता है यहाँ पर इस मार्क के बीच में जी, ये वाला मार्क और ये वाला मार्क आपका हो गया आपका ए, ठीक है। ए के बाद इस मार्क और इस मार्क में आपकी बी, बी के बाद तुरंत सी, फिर आप फॉलो कर दीजिए। तो अब मैं आपको माइनर सेक्शन के बारे में बताता हूँ, माइनर सेक्शन के बारे में एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। ये जो आपको मार्क दिख रहे हैं ना, ये वाले मार्क, ये मार्क दिख रहे हैं आपका, जो ये वाला मार्क है ना पांचवें फ्रेट पे, ये एक्चुअली सी कॉर्ड है। सी कॉर्ड कौन सा वाला? इस फॉर्मेट में जो आप ये प्ले करते हैं, ठीक है। आप ध्यान रखिए ये जो सी कॉर्ड है इसके नीचे इसका माइनर होगा, मतलब आपको बस ये चेंज करना है इस तरीके से, ये सी है और ये इसका माइनर होगा। सेम सी के बाद एक फ्रेट के बाद डी, ये मार्क मार्क मैंने आपको बताया ना, ये सी है तो एक फ्रेट के बाद डी आता है, ये ऐसा डी आता है, तो इस डी का माइनर उसके नीचे ही ऐसे, ये और ये, राइट, ऐसे। ये याद करने का तरीका है, अगर ये डी है तो डी के बगल में उसका माइनर यहाँ पर होगा ऐसे, ये सी है तो सी का माइनर उसके बगल में होगा ऐसे, राइट। और उसी तरीके से ये बी था, ये बी था ना, ये सी है तो ये बी होगा, क्योंकि एक भी फ्रेट का गैप नहीं है, तो दिस इज सी और उसके बगल में नीचे बी है, तो बी का माइनर इस तरीके से ऐसे होगा, राइट। उसी तरीके से ये ए कॉर्ड था जो मैंने बताया था, ए कॉर्ड तो उसका माइनर ऐसे होता है, लेकिन हम उसको ऐसे नहीं प्ले करते हैं, या हटा के हम उसको ऐसे प्ले करते हैं, सेम वो रीज़न जो मैंने आपको बताया था, राइट। तो याद करने का तरीका है, ए का माइनर उसके बगल में नीचे हमेशा उसके लेफ्ट साइड में, ठीक है। बी का माइनर हमेशा उसके लेफ्ट साइड में नीचे ऐसे, और ये सी है, सी का माइनर उसके लेफ्ट साइड में नीचे ऐसे, फिर ये मार्क डी है, डी के बगल में उसका माइनर ऐसे, ये ई है, ई का माइनर ऐसे, राइट दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, तो मैं कुछ जो आपके मन में डाउट्स हैं वो बताता हूँ कि किस तरीके से सवाल आपके दिमाग में उठ रहे होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि मे बी अभी जो सर ने स्टार्टिंग बताया था, ये वाला कॉर्ड है, अभी ये सी कॉर्ड है, तो सी कॉर्ड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो अब ध्यान रखिए, जितनी बार आप पैटर्न चेंज करेंगे वो कॉर्ड उतनी बार चेंज होगा, राइट, लेकिन साउंड वही रहेगी, केवल उसका पिच हाई हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस जैसे जैसे आप इस तरफ पढ़ेंगे, कोई भी कॉर्ड बजाएंगे, तो उसका साउंड बहुत, उसका पिच बहुत ऊपर जाता है, हार्शनेस उसकी बहुत बढ़ जाती है, राइट। जैसे सी कॉर्ड ये वाला है, ये सी कॉर्ड यहाँ पर भी है, जो मैंने आपको बताया था पैटर्न में, ये वाला इस तरीके से बजाते हैं ना आप, ये वाला, ये और ये भी सी कॉर्ड है, ये वाला, ठीक है। तीनों सी कॉर्ड है, पर फर्क केवल इतना है, पिच का फर्क है, क्योंकि उसकी पिच बहुत ऊंची हुई है, क्योंकि वो हायर लेवल पे आया है, इसीलिए। सेम अप्लाइज टू ऑल द कॉर्ड्स, सारे कॉर्ड्स के साथ, जैसे ये ए है, राइट, उसी तरीके से ए, ये पी भी ए है, राइट, उसी तरीके से आगे भी बहुत सारे ए आ सकते हैं, राइट। ये डिपेंड करता है आपके अलग अलग पैटर्न पे, अलग अलग चेंजेस में, फाइन दोस्तों। तो ये आपको बताना बहुत इंपॉर्टेंट था। ओके नाउ, अभी जो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा था कि शायद कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, मैंने आपको बताया था ना कि जो सीरीज रूल, दैट इज मतलब सीरीज रूल, सीरीज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती है, उसका वाइस वर्सा भी होता है। वाइस वर्सा मतलब सीरीज उल्टी भी फॉलो होती है, उल्टी मतलब ए बी सी डी अगर है तो डी सी बी ए ऐसा होता है, ठीक है, डी सी बी ए उल्टा भी हो सकता है, जैसे जैसे आप आओगे वैसे वैसे आप जाओगे। तो आप देखिए, जैसे ये एफ कॉर्ड था, एफ कॉर्ड था ना, मैंने कहा था एक फ्रेट के गैप के बाद आपका जी आता है, दिस इज जी। आप उल्टा चल के देखिए, ये आपका एफ कॉर्ड है, आपको ये आपका एफ कॉर्ड है, आपको गैप नहीं देना है। अब आप ये दिमाग लगाइए कि एफ से पहला कौन सा कॉर्ड होगा, ए बी सी डी ई एफ, ई एफ, राइट, तो ई आता है। तो मैंने आपको गैप रूल में बताया था कि ई और एफ के बीच में गैप नहीं होता है, तो इसका मतलब आपको गैप नहीं देना है, आपको बस केवल इसको एक फ्रेट पीछे लेके जाना है ऐसे, इस तरीके से। तो ये कौन सा कॉर्ड है बता सकते हैं? दिस इज ई कॉर्ड, ये आप लगाओ या ना लगाओ बात बराबर है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई आर यू प्लेइंग ई लाइक दिस, आप हमेशा ई ऐसे प्ले करते हैं, राइट, ये देखिए, इसलिए ई, इसीलिए इसको मानते हैं, क्योंकि ये एफ कॉर्ड था, एफ से पहले ई कॉर्ड आएगा फॉर्मेशन के हिसाब से, राइट, तो ई ये ऐसा बनेगा, राइट। लेकिन हम इसे ऐसे प्ले नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बार लगा हुआ है, तो हम इसको इस तरीके से प्ले करेंगे ऐसे, राइट, इस तरीके से। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो
ई के बाद क्या आता है, एफ आता है बिना फ्रेट में गैप दिए हुए, तो उसके जस्ट बाद ये एफ कॉर्ड होगा, पर आप इसको ऐसे प्ले नहीं करते हैं, आप इसको इस तरीके से बना लेते हैं और ऐसे प्ले करते हैं फिर, क्योंकि आपको वो बार को आगे लेके आना है इसीलिए। राइट दोस्तों, अब आपको समझ में आया कि ओपन ई ऐसे क्यों बजता है। ओपन ई इसलिए बजता है क्योंकि दैट इज फॉलोड बाय अ सीरीज सीक्वेंस, राइट, दिस इज ई, उसके बाद ये एफ, लेकिन आप उसको ऐसे प्ले करेंगे तो एफ, मतलब बेसिकली ये वाला सीक्वेंस फॉलो होगा। देखिए ये ई, उसके तुरंत बगल में दिस इज एफ, ठीक है, फिर एफ के बाद एक फ्रेट का गैप देखे, ये गैप देखे, ये आगे आपका जी, ठीक है, ये आपको लगाना, ध्यान रखिए मैं केवल आपको इससे बता रहा हूँ ताकि आपको पता लगे, ठीक है, दिस इज एफ, फिर एक फ्रेट का, सॉरी दिस इज जी, फिर ये एक फ्रेट का गैप देखे आपका, दिस इज ए, दिस इज ए, इस तरीके से वापस उल्टा जाएंगे आप तो दिस इज आपका जी, फिर उल्टा जाएंगे ऐसे दिस इज आपका एफ, और एक फ्रेट के तुरंत बाद आपका ई आएगा, क्योंकि गैपिंग नहीं है, ई और एफ के बीच में गैप नहीं होती है। राइट दोस्तों, दैट इज फॉलोड बाई अ गैप रूल। तो ये इंपॉर्टेंट था आपको बताने के लिए। उसी तरीके से माइनर में भी सेम फॉलो होता है दोस्तों, ए में भी सेम फॉलो होगा, जो इस फॉर्मेट में, दिस इज अ ए क्लास फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में आगे चलोगे तो देखिए ये ए है, ठीक है, तो ए के गैप के बाद दिस इज बी, बी के बाद तुरंत सी, मैं भी ये बार नहीं लगा रहा हूँ, केवल आपको सुनाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, वैसे बार लगा के आप चलोगे आगे, दिस इज ए, गैप के बाद बी, दिस इज सॉरी सी, ए बी सी, सी के बाद गैप के बाद आपका डी, दिस इज गैप, फिर आपका ई, और ई के बाद तुरंत आपका एफ, इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। राइट, सेम अप्लाइज विद माइनर सेक्शन, ये आपका ए माइनर है, ए माइनर के बाद ये गैप देके आप यहाँ पे आओगे, दिस इज बी माइनर, लेकिन आप इसको ऐसे पकड़ोगे, राइट, मैं ऐसे बता देता हूँ, दिस इज ए माइनर, दिस इज गैप, दिस इज बी माइनर, राइट, बी माइनर के तुरंत बगल में दिस इज सी माइनर, मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो पॉइंट है दिस इज सी, तो शॉर्टकट है उसके बगल में उसका माइनर होगा लेफ्ट साइड में, दिस इज माइनर, और ये पॉइंट मैंने आपको बताया था दिस इज डी, तो उसके बगल में उसका माइनर होगा यहाँ पे डी माइनर, ठीक है, आप सीरीज से भी याद कर सकते हैं, पॉइंट से भी याद कर सकते हैं। राइट दोस्तों, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके लिए काफी ईजी रहेगा वो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन गाइस, आई गेस आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा, राइट, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की कि आपको जो पैटर्न है, सीरीज है, क्या होता है एक्चुअली में, अंदर हो क्या रहा है, वो आपको मेन मसाला समझ में आना चाहिए कि कॉर्ड्स एक्चुअली में होते क्या हैं, कैसे बन रहे हैं, किस तरीके से हो रहे हैं। अभी आपको आई गेस कि आपको रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, आपको थोड़ा बस उनको समझना है, उन्हें विजुलाइज करना है, ठीक है, आप उसको प्रैक्टिकली कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, समझिए उसको, आप देखिए कि हाँ यार कि ये वाला पैटर्न ये है, अब इस पैटर्न के बाद ये करना है, ओके, इस पैटर्न के बाद ये वाला कॉर्ड बना, अब ये वाला कॉर्ड बना, अब मैं नेक्स्ट पैटर्न पकड़ूंगा, नेक्स्ट पैटर्न के बाद ये कॉर्ड पहले आता है, ये कॉर्ड बाद में जाएगा, राइट, उस तरीके से आप सीरीज में उसको जैसे जैसे अप्लाई करेंगे अपने गिटार पे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। राइट, इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज अकॉस्टिक पार्टी, यू कैन ऑल्सो लाइक माय फेसबुक पेज दैट इज अकॉस्टिक पार्टी, एंड यू कैन ऑलवेज इंस्टाग्राम मी दैट इज अकॉस्टिक _ पार्टी। मैंने आपको पहले भी कहा था, जिसको भी गिटार से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, अगर कुछ भी सवाल उसे पूछना है, कुछ भी रिलेटेड, चैनल से रिलेटेड कुछ भी, तो वो मुझे लिख सकता है, आई विल बी हैप्पी कि मैं उसे रिप्लाई करूँ। फाइन, सो विल बी कम